गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं स्कूटी चला रही हूँ। आज मैं स्कूटी चलाते से ही अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल में अंजू भट्ट एंड फैमिली व्लॉग। तो मैं आज आपको दिखा रही हूँ एक हिडन कैफ़े जिसके बारे में अभी तक किसी ने सुना भी नहीं होगा। तो लेट्स कम विद मी, आप मेरे साथ चलिए। और आगे मैंने फर्स्ट टाइम पहाड़ी एरिए में ड्राइविंग की है, स्कूटी चलाई है। उसने मुझे पहले तक बताया नहीं, जो मेरे साथ जा रही थी काचू मैम, हमारी काचू मैडम ने। ये घुसे हम नाला पानी के अंदर। ये नाला पानी सुनते ही आप समझ गए होंगे हम खलंगा फॉरेस्ट जा रहे हैं, खलंगा फॉरेस्ट की तरफ। नाला पानी में सिचुएटेड है। यहाँ गोरखा सोल्जर्स ने अंग्रेज़ों से काफ़ी सालों तक लड़ाई की थी, और अब दोबारा वही सौगात फिर हुई। यहाँ पे जंगलों में पेड़ों को काटे, 2000 पेड़ों की बलि दी जाएगी। फिलहाल पेड़ों पर लाल निशान और ये दिए गए हैं, जिसके बाद वन क्षेत्र को बचाने के लिए जो पर्यावरण प्रेमी युवा सब, उन्होंने बहुत जोर शोर से विरोध किया। तो ये मैं यहाँ पे फंस गई थी। यहाँ पे बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड भी मिल गया था, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर भी मैंने जैसे तैसे स्कूटी निकाली। अब ये नीचे की तरफ मुझे डर लग रहा था, मैं ले जाऊँगी, क्योंकि काचू बोली थी नहीं नहीं आंटी ले जाओगे आप। तो जैसे तैसे मैंने नीचे की तरफ अपनी स्कूटी चलाई, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं मैं फंस गई थी, पर हिम्मत नहीं हारी, मैं नीचे की तरफ गई। फिर हम अपनी मंजिल की तरफ, आगे की तरफ। बस आप बढ़िया चलाओ, खुशी हो रहा था ना। हाँ। सो गाइस, मैं आगे की तरफ आपको खलंगा, अब हम ये खलंगा पहुंच गए नाला पानी के अंदर खलंगा की तरफ। तो ये है गाइस जो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं कहाँ पे आई हूँ। तो ये एक हिडन कैफ़े, मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। ये है एक हिडन कैफ़े खलंगा में, हैप्पी हिप हब। इस कैफ़े का नाम है हैप्पी हिप हब। अब आप मेरे साथ आगे चलिए। ये हिडन कैफ़े अभी तक यहाँ पे किसी ने भी नहीं देखा है, तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये है, यहाँ पे डॉगी वगैरह इन्होंने रखे हैं। यहाँ पे हॉर्स भी रखा है, जिसका नाम इतना प्यारा है, राम राज है। राम जी का जैसे अयोध्या में बनाया। तो ये है हिडन कैफ़े, छोटा सा है पर बहुत ब्यूटीफुल है। कपल्स वगैरह, दोस्त वगैरह जितने भी हैं यहाँ पे हिडन कैफ़े, न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, कोई भी, वो बिल्कुल सेपरेट और पहाड़ों की वादियों में अपना पार्टी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। फैमिली भी आ सकती है, यहाँ पे स्टे भी है, रूम वगैरह उनके अभी हो रहे हैं, मतलब ना रूम अगर अभी वो सेट कर रहे हैं रूम को। तो ये काचू आगे की तरफ करते हुए तो मैं आगे दिखाऊंगी। तो ये बहुत बड़ा है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे खाने वाने की भी पूरी फैसिलिटी है, यहाँ पे बुकिंग का कोई चार्जेस नहीं है। बस वो है कि अगर आप बर्थडे पार्टी या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें बैलून या कुछ भी डेकोरेशन करवा रहे हैं एक्स्ट्रा, वो चार्जेस लगेंगे उन चीज़ों को, डेकोरेशन के सामान का चार्जेस लगेगा, बाकी बुकिंग वगैरह का कोई चार्ज नहीं। ये है, यहाँ पे रूम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, स्टे भी कर सकते हैं आप यहाँ पे फैमिली को लेके आए, फ्रेंड्स, कपल्स, न्यूली मैरिड। पहाड़ों की इतनी सुंदर खलंगा के जंगलों के बीच बीच बहुत अच्छे से गेट टुगेदर हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने अब हॉर्स वगैरह का भी कर रखा है। अभी तो इन्होंने एक ही हॉर्स रखा हुआ है, जिसका जैसे मैं आपको देख रही हूँ जाते हुए, ये आगे मैम दिखा रही हैं हमको, जो इनके अंडर काम करते हैं यहाँ पर, तो वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। इस हॉर्स का नाम है राम राज। तो मैं डर रही थी, वो बोल रही थी नहीं मैम बहुत ही है, स्वीट है, कुछ नहीं करेगा। तो ये ऑनर हैं जो मेरे से आगे आप दूर देख रहे होंगे, चल रहे होंगे, ये हैप्पी हिप हब के ऑनर हैं। तो यहाँ पे हॉर्स था बहुत ही प्यारा, उसका नाम राम राज था, जिससे तो मुझे तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। है ऑनर हैप्पी हिप हब के, और यहाँ पे डॉग्स वगैरह भी उन्होंने रखे हुए थे, घुड़सवारी भी शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ज़रा चिल आउट करके, तो बहुत बड़ा प्लेस है। फिर हम यहाँ पे सबसे मिलके एक्सप्लोर करा हमने ये हैप्पी हब, हमें लेट हो रहा था, तो फिर चले हम बैक टू होम, घर की तरफ।
तो ये है खलंगा फॉरेस्ट, जो बहुत ही सही, देखिए आप पेड़ कितने पेड़ काट रखे हैं, देख रहे हैं आप कितना जंगल, पूरा जंगल इतने बुरे हाल से पेड़ों को काट रखा है, इतना सुंदर है। अगर ये पानी की, पानी के लिए जंगलों को काट रहे हैं तो बेकार है, जब सांस ही नहीं ले जाएगी तो पानी कहाँ से पिएगा इंसान, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो पानी की बात तो बाद में आएगी। यहाँ पे हम रुके, यहाँ पे नीचे ढलान की तरफ स्कूटी थी, मैं इसे चलाई नहीं जा रही थी, एक भैया ने हेल्प की, वो मेरी स्कूटी नीचे तक ले गए, तो मैंने थैंक यू करते हुए ऐसे कर रहे थे। फिर हम नीचे नीचे, यहाँ पे मुझे अपने गांव की याद आ गई, ये देखिए खलंगा फॉरेस्ट का आनंद लेते हुए फिर हम शॉर्ट शॉर्ट कट से मुझे कांचू ले गई, मालदेवता के रास्ते से होते हुए हम गए देहरादून का खलंगा क्षेत्र, जहाँ 2000 पेड़ों की बलि दी गई थी, जिसके बाद यहाँ पर बहुत विरोध वगैरह हुआ, और फिर ये मैं मालदेवता होते हुए नीचे से आ रही थी। यहाँ पे पूरा दरअसल ये पेयजल विभाग के द्वारा वाटर ट्रीट प्लांट बनाया जा रहा है, जिनमें सोंग नदी से जो बन रहा डैम का पानी है इस प्लांट में जाएगा, इस वजह से यहाँ पे ये खलंगा के फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं। तो फिर हम रास्ते में यहाँ पे रुक गए, सनलाइट रेस्टोरेंट था यहाँ पे, छोटा सा उन्होंने स्विमिंग पहाड़ों के बीच कर रहे थे, हमने यहाँ पे भी ज़रा पूछा कि कैसा है क्या। आफ्टरनून तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते कुछ भी गेट टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे एसी वगैरह कुछ नहीं है, पर नाइट में वो कह रहे थे बहुत ही अच्छा गेट टुगेदर कर सकते हैं आप, पहाड़ों के बीच बना हुआ है, स्विमिंग पूल वगैरह है, रात में लाइटिंग वगैरह होती तो कहते बहुत सुंदर लगता है, रूम्स वगैरह यहाँ अवेलेबल है, बहुत अच्छा था, पर आफ्टरनून नहीं कर सकते हैं। आगे मैं दिखाऊँगी आपको बैनर, सनलाइट रेस्टोरेंट करके है ये, ये देखिए सनलाइन, सॉरी सनलाइट बोल रही मैं, सनलाइन रेस्टोरेंट था। तो ये मैं आगे की तरफ चलते हुए, हम आगे की चलते हुए प्यास लग गई थी, फिर हम यहाँ पे रुके, यहाँ पे क्या था, हाँ माल देवता, क्या बोल रहे थे वो अंकल, माल देवता दुनाली, माल देवता दुनाली पर हम रुके। ये अंकल की एक छोले कुलचे की शॉप है जिसमें बहुत भीड़ है, हमने कहा जरा ट्राई करते हैं, इन्होंने छोले कुलचे बना के दिए, यहाँ पे कई लोगों ने ब्लॉग भी बनाए इनके, सक्सेना जी अंकल करके हैं ये, उन्होंने बहुत ही टेस्टी एक प्लेट थी जिसे काचू और हमने खाया, जो बहुत टेस्टी था। ये माल देवता मेन रोड पर दुनाली रोड पर है, तो ये मैं छोले कुलचे का आनंद लेते हुए अंकल से बात करते हुए, जो कि वाकई में ही काफ़ी टेस्टी थे, बहुत बढ़िया। सुरेश सक्सेना है ना आपका नाम, ये अंकल जी का नाम सुरेश सक्सेना है, और इनकी 17 साल से है यहाँ पे इस छोले कुलचे की, 2017 से है, मैं गलती से बोली 2017 से है वो, और छोले कुलचे की है इनकी, माल देवता पे, कौन सी रोड बताई थी आपने, माल देवता दुनाली, हाँ हमने इनके छोले कुलचे टेस्ट किए हैं, जो बहुत ही टेस्टी है काचू और मैंने, कैसे लगे काचू, यम। तो छोले कुलचे खा के, कोल्ड ड्रिंक पी के, अपने गले को ताज़ा करके हम चले घर की तरफ, बहुत लेट हो गया था, हम 8 बजे तक पहुँचे थे घर में, तो धर्मपुर से मंडी से होके सब्जी वब्जी लेके मैं घर की तरफ गई। आपको मेरा ये व्लॉग हैप्पी हिब हिडन कैफ़े और खलंगा के फॉरेस्ट कैसे लगे, मेरा आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, नेक्स्ट सी यू व्लॉग।